कल जहां तक हम लोग देखे थे रीजनिंग, उसके आगे आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग को पांच क्वेश्चन का सीरीज यहाँ पे आएगा, एक साथ पांच क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं पहला सीरीज में क्या दिया हुआ है। आप लोग को पांच क्वेश्चन एक साथ दिया जाएगा। देखिए मेरे पास क्वेश्चन नहीं, आप लोग क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ रहेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसके बाद बताऊंगा, ठीक है। लिखा हुआ है बानर, ठीक है, उससे संबंध है बड़बड़ाना, उसी प्रकार, ठीक है। ऊट किस चीज से संबंधित है बताइए। चलिए आप लोग बताइए ऊट किस चीज से संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन देख क्या होगा आप लोग बताइए, ऊंट का आंसर क्या होगा? होगा आंसर घुर घुर, ठीक है, ऊंट का आंसर घुर घुर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। भविष्यवाणी, भविष्यवाणी जिस प्रकार से संबंधित है भविष्य से, उसी प्रकार खेद किस चीज से संबंधित है बताइए। खेत, खेत किस से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, अतीत से। खेत अतीत से संबंधित है, उसी प्रकार मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। विरोधी जिस प्रकार से संबंधित है शत्रु से, उसी प्रकार विपत्ति किस चीज से संबंधित है बताइए। विपत्ति विरोधी शत्रु होता है, विपत्ति किस से संबंधित होता है बताइए। विपत्ति किसको कहते हैं? जब कठिनाई आए मेरे सामने उसको विपत्ति बोलते हैं। चलिए तीन क्वेश्चन बन गया, और आते हैं हम चौथा नंबर पे। नहीं सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग ये सब बना दीजिएगा, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। जिस प्रकार उष्मा किससे संबंधित है? कैलोरी से, उसी प्रकार, ठीक है, ध्वनि किसी से संबंधित है बताइए। उष्मा का कैलोरी संबंधित है, उसी प्रकार ध्वनि का किसी से संबंधित है वो बताइए। ध्वनि का डेसिबल, क्लियर दिख रहा है, ध्वनि का डेसिबल। ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन का एक सीरीज जाएगा, ये चौथा नंबर है उसमें। आइए रंग का संबंधित है लाल से, उसी प्रकार जिस प्रकार भाषा का संबंधित है किस चीज से बताइए। रंग कैसा होता है? लाल। भाषा क्या होता है? किस चीज संबंधित है बताइए। चलिए बोलिए भाषा का, दस का अंग्रेजी, ठीक है। रंग लाल होता है, भाषा अंग्रेजी होता है। पांच क्वेश्चन का सीरीज था, ये पांच क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपके सामने। चलिए नेक्स्ट पांच क्वेश्चन का सीरीज आपके सामने आ चुका होगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है धनुष का संबंध है बाण से, उसी प्रकार जिस प्रकार पिस्तौल का संबंध है किस चीज से। धनुष से बाण चलता है, तो पिस्तौल से क्या चलता है बताइए। गोली, ठीक है, पिस्तौल से क्या चलता है? गोली। नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पर लिखा हुआ है पोशाक, पोशाक संबंधित है दर्जी से, पोशाक कौन सी था? दर्जी,
तो उसी प्रकार बढ़ी, बढ़ी किस चीज से संबंधित है? यहाँ पे खाली स्थान है, बढ़ी, बढ़ी किस चीज को बनाता है बताइए? बढ़ी पोशाक को कौन सीता है? दर्जी। तो बढ़ी क्या बनाएगा? फर्नीचर। दूसरा सीरीज का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आइए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिख रहा है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का संबंधित है भारत। उसी प्रकार टेक्सास का संबंध है किससे बताइए आप लोग? टेक्सास का संबंधित है किससे? चलिए बोलिए। महाराष्ट्र का संबंधित है भारत से, तो टेक्सास का संबंधित है, बोलिए, USA। ठीक है, तीन नंबर, चौथा नंबर क्वेश्चन आइएगा। मतली संबंधित है किससे? उबकाई से। उसी प्रकार संबंधित है जलना, किससे संबंधित है? मतली संबंधित है उबकाई से, जलना किस चीज से संबंधित है? चलिए क्वेश्चन नंबर, झुलसना, ठीक है, झुलसना। चार क्वेश्चन हो गया नेक्स्ट सीरीज का, आइए। लिखा हुआ है, दिख रहा होगा, हृदय, हृदय किस चीज से संबंधित है? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी से संबंधित है हृदय, हृदय का अध्ययन को कहा जाता है कार्डियोलॉजी शायद बोला जाता है, ठीक है। उसी प्रकार ब्रिक क्या बोला जाता है? चलिए ब्रिक किससे संबंधित है? नेफ्रोलॉजिस्ट, ठीक है, नेफ्रोलॉजिस्ट। पांच क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ दूसरा सीरीज का, ठीक है। यदि ये वीडियो आप लोग को थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो ये नहीं बोल रहे कि बढ़िया पढ़ा रहे हैं या फिर अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आप इसको जरूर देखिए, आपको आसान होगा एग्जाम निकालने के लिए, ठीक है। आप लोग बनाइए, नेक्स्ट सीरीज आप लोग के सामने आ गया होगा, ठीक है, नेक्स्ट पांच क्वेश्चन का सीरीज आपके सामने दिख रहा होगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर, चलिए कल का एक क्वेश्चन हम छोड़ के गए थे, ठीक है, दिख रहा होगा। MIKE माइक को जिस प्रकार OGMC लिखा जाता है, CIAD को क्या लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं MIKE, ठीक है, माइक को जिस प्रकार OGMC लिखा जाता है उसी प्रकार WARD को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन पहले लिख देते हैं, STAR स्टार को लिखा जाता है RATS, तो उसी प्रकार, ठीक है, IJKL को क्या लिखा जाएगा? देखिए DCBA को लिखा जाता है WXYZ, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे IJKL नहीं है लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ WARD, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है, नीचे ऊपर लिख दिया जाता है CIAD, ठीक है। चलिए DCBA WXY यहाँ पे लिखा हुआ है IJKL। चलिए तीसरे तीन क्वेश्चन हम बताएं, तीन क्वेश्चन आप लोग बताइए आंसर। देखिए M13 होता है, कल हम याद करवाए थे, 13 दो ऐड करेंगे, ठीक है, 15, यानी कि C में 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा बताइए?
सी में टू ऐड करेंगे, सी थ्री टू ऐड करेंगे तो फाइव ई आई आई नाइन दो माइनस किए जी आई नाइन दो माइनस किए तो क्या होगा जी। ठीक है ठीक है। के के में दो प्लस करेंगे तेरह, ए में दो प्लस करेंगे सी, ई ई में दो घटाएंगे सी, डी में दो घटाएंगे क्या होगा बी, ई जी सी बी ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार को लिखा जाता है रैट्स, उसी प्रकार बर्ड को क्या लिखा जाएगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा सेम बर्ड को उलट के लिख दिया गया, इसके लिए हम सबसे पहले क्या दिमाग लगाएंगे बताते हैं। पहला नंबर पे एक लिखते हैं, इस पे दो लिखते हैं, इस पे तीन लिखते हैं, इस पे चार लिखते हैं। ठीक है हमको ध्यान देना है पहला नंबर कौन वाला आया, जो चार पे वो पहला आ गया। ठीक है अब फिर देखिए जो तीन पे है वो दूसरा आ गया, जो दो पे है वो तीसरा पे आ गया, यहाँ पे वन लास्ट में आ गया। सिंपली हम यहाँ उलट गया तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं डी आर ए डब्लू। ठीक है कौन सा ऑप्शन आप लोग देख लीजिए ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डी सी बी ए को डब्ल्यू एक्स वाई जेड लिखा था, आई जे के एल को क्या लिखा जाएगा। कल हम पढ़ाए थे अपोजिट लेटर, डी का अपोजिट क्या पढ़ाया डॉन, डी से अपोजिट डब्ल्यू, सी का क्रक्स, बी का बॉय, ए का जेड ए टू जेड, उसी प्रकार आई का इंडियन रेलवे आर, जे का जंगल क्वीन, के का केपी ठाकुर, एल का बोलिए लव एल ओ। देखिए किस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी। ठीक है चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन उतार रहे हैं डी एच एल पी टी एक्स को लिखा जाता है बी एफ जे एन आर भी, तो बताइए सी जी के ओ एस डब्ल्यू को क्या लिखा जाएगा। दिख रहा है क्लियर। चलिए सी जी के ओ एस डब्ल्यू, देखिए वहां पे क्वेश्चन है, मेरे पास क्वेश्चन नहीं है इसीलिए हमको ऐसा लिखना पड़ रहा है। आइए बताते हैं यहाँ देखिए डी चार पे है, इस पर दो घटाएंगे तो दो आएगा, यहाँ पे दो घटाएंगे तो क्या आएगा बताइए ए। ठीक है एच आठ पे, आठ में से दो घटाएंगे एफ, यहाँ जी दो घटाएंगे तो क्या होगा पांच ई। दिख रहा है फिर आइए बारह, बारह में से दो घटाएंगे दस, ग्यारह में से दो घटाएंगे क्या होगा नाइन आई, पी सोलह, सोलह में से दो घटाएंगे चौदह एन। ठीक है यहाँ पे ओ पंद्रह, पंद्रह में से दो घटाएंगे तेरह, तेरह में क्या है एम है। ठीक है टी टी बीस, बीस में से दो घटाएंगे आर, एस एस में से दो घटाएंगे क्यू। ठीक है आइए एक्स, एक्स में से दो घटाएंगे बी भाई भी। ठीक है उसी प्रकार डब्ल्यू में से दो घटाएंगे तो क्या होगा डब्ल्यू तेईस एस टी यू यू आएगा। ठीक है देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है ए ई आई एम क्यू यू ऑप्शन नंबर बी। ठीक है चार क्वेश्चन। चलिए पांचवा नंबर हम देख रहे हैं ए बी सी डी ई जिस प्रकार लिखा जाता है एफ जी एच आई जे उसी प्रकार। ठीक है पी क्यू आर एस टी को क्या लिखा जाएगा बताइए। चलिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे ठीक है तो पी क्यू आर एस टी को क्या लिखा जाएगा तो लिख देंगे सिंपल से यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। पूछिए कैसे इसका दो लॉजिक है। आइए इसका दो लॉजिक क्या क्या है जो हम बताते हैं। देखिए पहला बात बोलिएगा ये तो सिंपल है ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के लिखा हुआ लगातार लिख दें इस अनुसार। ठीक है दूसरा लॉजिक इसमें यदि हम पांच जोड़ेंगे तो छह। ठीक है उसी प्रकार इसमें पांच जोड़ेंगे तो इक्कीस। समझ में आ रहा है ये लॉजिक हर जगह काम नहीं करेगा। ए बी सी डी लगातार लिखा हुआ है तो हम लिख देंगे। देखिए दूसरा लॉजिक बी में दो जोड़ेंगे बी में छह जोड़ेंगे तो क्या आएगा बी में पांच जोड़ेंगे तो क्या आएगा जी। उसी प्रकार क्यू में पांच जोड़ेंगे भी, सी में पांच जोड़ेंगे एच एट पे होता है, बी में पांच जोड़ेंगे तो नाइन पे आई होता है, ई में पांच जोड़ेंगे जे। ठीक है उसी प्रकार सब में पांच ऐड किया गया सिंपली। ठीक है ये था आप लोग का नेक्स्ट सीरीज का पांच क्वेश्चन ये हो गया। आइए
दूसरा देखते हैं जब तक इसको मिटा रहते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम? ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ज्यादा देरी का वीडियो नहीं रहेगा क्योंकि टैग अब खत्म होने वाला है, जितना प्रकार का आता है हम सब बता देंगे आप लोगों, टेंशन नहीं लीजिए। और आज रात से मतलब नेक्स्ट वीडियो शायद नंबर सिस्टम का लोड करें, देख लीजिएगा जरूर। अच्छा ना लगे क्या दिक्कत है, क्वेश्चन तो रिवाइज होगा कम से कम। चलिए नेक्स्ट टैग देखिए क्या है, आइए देखते हैं नेक्स्ट टैग पे लिखा हुआ है क्या। देखिए 23 को लिखा गया है 72, तो उसी प्रकार 38 को क्या लिखा जाएगा बताइए। 23 को 72 लिखा गया है तो उसी प्रकार 38 को क्या लिखा जाएगा, चलिए बोलिए। देखिए गुने 3 + 3 ठीक है, 23 + 69 = 3 = 72, इसमें भी वही काम करेंगे, गुने 3 + 3 8 + 3 = 24, लास्ट में 4 आ रहा है, + 3 = 7। देखिए 7 लास्ट में किस ऑप्शन में है, ठीक है 7 किस ऑप्शन में, बोलिएगा सी, ठीक है बोलिएगा सी 117, ठीक है 117 दिख रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। -3/7 + 7/3 = 9/2 को क्या लिखा जाएगा बताइए, ठीक है चलिए बताइए क्या लिखा जाएगा बोलिए। देखिए माइनस से सिंपल से उलट दिए तो इसको भी माइनस में था प्लस हो गया, उल्टा हो गया, इसको भी हम प्लस में इसको माइनस में उल्टा लिख सकते हैं ऐसे 2/9 यही होगी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, लिख रहे हैं यहाँ पे 7/32 जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार 28, ठीक है आप लोग बोलिएगा कि इसमें क्या लॉजिक है बताइए। देखिए चलिए बोलिए क्या लॉजिक है, सेम लॉजिक सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखिए 7 × 4 + 4 उसी प्रकार 28 × 4 + 4 28 × 4 = 72 से मतलब 112 + 4 = 116 आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सीरीज में 5 क्वेश्चन होता है, ये 3 क्वेश्चन हो गया इस सीरीज का। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है इस सीरीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 42 का संबंध 20 से उसी प्रकार जिस प्रकार 64 का संबंध है किससे बताइए। चलिए ऑप्शन से बनेगा, बहुत बढ़िया से बहुत इजी क्वेश्चन है लगाने का जरिए से। चलिए ऑप्शन नंबर क्या आएगा बताइए, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है आप लोग का, देखिए तो चलिए ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए, मिलाइए आप लोग क्या लॉजिक। देखिए डिवाइड बाय 2 - 1 उसी प्रकार डिवाइड बाय 2 - 1 यानी कि 32 - 1 = 31 कोई दिक्कत क्लियर। चलिए ये था कितना नंबर क्वेश्चन, चौथा 1, 2, 3, 4 ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 को जिस प्रकार 18 लिखा जाता है तो उसी प्रकार 4 को क्या लिखा जाएगा बताइए, 4 को क्या लिखा जाएगा बताइए, 47 नंबर बोलिए 4 को क्या लिखा जाएगा। चलिए ऑप्शन देखें आप लोग, इसका 2 लॉजिक हम बताएंगे, ऑप्शन के अनुसार बनाना है आप लोग। ऑप्शन देखिए बोलिएगा सिंपली यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, हो जाएगा 12। क्या ऑप्शन में 12 है,
चेक कीजिए, 12 नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में 12 नहीं है तो ऑप्शन में क्या है बताइए, बोलेगा पता ही नहीं चल रहा है। देखिए इसमें क्या किया, हम यदि इसको कर दें 6 × 2 + 6 कितना आ रहा है 18, उसी प्रकार 4 × 2 + 6 आंसर 14, 12 नहीं होगा आंसर 14 होगा, ये सब पैटर्न गलत है। इसीलिए हम बोल रहे रीजनिंग का बहुत सा टाइप होता है, इस सीरीज का 5 क्वेश्चन हो गया पूरा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन में, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आए हैं, लगभग 50 क्वेश्चन हम कराएंगे इस सीरीज का, मतलब अभी तो शायद 20 या 25 क्वेश्चन कराए होंगे और कल कराए थे। ठीक है चलिए देखिए, 8 का संबंध 24 से, उसी प्रकार 32 का किससे होगा बताइए, उसके बाद 16 का संबंध है 22 से, तो बताइए 36 का संबंध किससे होगा, चलिए 9 का संबंध है 24 से, उसी प्रकार 6 का संबंध किससे होगा। ठीक है बताइए, चलिए कितना आ रहा आंसर सॉल्व कीजिए। बोलिए क्या आंसर आ रहा, देखिए इसी का मान निकालना है, यहाँ पे 32 से दिया हुआ। ठीक है चलिए बनाइए, दिखता नहीं यार बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, उसी प्रकार यहाँ पे 6 है। ठीक है इसका मान निकालना है यहाँ पर बताइए, देखिए कुछ नहीं किया है, 32 दिया हुआ है, इसको इससे गुना कर दें, 2 × 2 = 4, 2 × 8 उसी प्रकार 3 × 2 यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, देखिए 16 में क्या किया गया है, 16 में देखिए 22 लाया गया, किस प्रकार से लाया गया बताइए हमको, बोलिए कुछ पता चल रहा है, बहुत गर्मी लग रहा है यार, बनाइए 2 मिनट में पसीना पुचका रहा है। चलिए क्वेश्चन बन गया, देखिए इसमें क्या लॉजिक लगाया है, इसको हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है यहाँ पे लगाया है 4 का स्क्वायर + 4 + 2। ठीक है बोलिए इसमें कुछ पता चल रहा है, क्या किया 4 × 16 + 4 + 2 = 22, उसी प्रकार बताइए इसमें क्या किया गया, बोलिए बताइए क्या किया गया है, हम इधर का लॉजिक समझा दिए, इसमें क्या करके लाया गया है 36, 36 को कैसे लिखा जाए, देखिए
जैसे 4 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 उसी प्रकार 36 है, ठीक है। इसका पहले ले लिया 6 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस क्या हो जाएगा बोलिए, 6 6 36, 6 42 प्लस 2 इक्वल टू 44 आंसर, ठीक है। चलिए 44 आंसर आ रहा है, देखिए तो आप लोग बोलेगा हाँ आ रहा है। आइए इसको लाना है हमको 6, किस प्रकार से 6 लाया, देखिए हम इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब माइनस 3, ठीक है, 3 का क्यूब माइनस 3 इक्वल टू 24। अब बताइए किसका क्यूब में घटाया जाए जो 6 आ जाए, ठीक है, बताइए। चलिए देखिए 6 हमको लाना है, किस प्रकार से 6 लाया जाए, बोलेगा पता नहीं चल रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, चाहिए तो आप एक बार और ट्राई कर सकते हैं। देखिए दिमाग लगा के इसको स्क्वायर किए, यहाँ पे इसको आप क्यूब नहीं लिखिए, इसको आप 9 × 3 करके बना सकते हैं, क्योंकि हम लिखे वही बट इजी होगा समझने में। चलिए बनाइए, देखिए आप एक बार और इसको कोशिश कीजिए, ये समझ में आया ऊपर वाला। चलिए देखिए आप लोग बनाइए एक मिनट, देखिए इस क्वेश्चन को समझाने के लिए यहाँ पे देखिए 9 × 3 है, उसी प्रकार एक्स गुने ठीक है 3 − 3 इक्वल टू 6 हम कर दिए, ठीक है, तो इसको x लिख सकते हैं बटा क्या हो जाएगा 9/3 इक्वल टू 3, यहाँ पे आ जाएगा 3। जैसे देखिए 9 को 3 से गुना किया 27, 27 − 3 24, उसी प्रकार 3 को 3 से गुना करेंगे 3 × 9 − 3 6, समझ में आया कैसा लगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैसा था, 9 को 3 से गुना किया 27 − 3 24, उसी प्रकार यहाँ पे हमको मान नहीं दिया हुआ था, इसी का मान हमको निकालना था, हमको 6 दिया हुआ था, बोलिए हम किससे गुना करें समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए हम x गुना किए 3 को, फिर 3 घटा दिए, ठीक है आ रहा 6, तो x इक्वल टू 3। अब देखिए 3 अब आ गया, आसानी से 3 से गुना 3 को करेंगे माइनस 3 करेंगे 6 आ रहा, ठीक है। ये था इस सीरीज का क्वेश्चन, और देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आज खत्म हुआ, आइए हम नेक्स्ट टाइप का स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है। आज इस सीरीज का इतना ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत होगा किसी प्रकार का क्वेश्चन, इसी प्रकार का हर क्वेश्चन आएगा, स्क्वायर क्यूब वगैरह वगैरह और कुछ नहीं है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये था, एक बार और देख लीजिएगा घर में, ठीक है, ठीक है, आज भर इतना ही रहने दीजिए, चलिए।